55 फाइव साइज है ग्लोले टीवी का जिसे मैंने खुद खरीदा है टेस्टिंग और ट्रू व्यू करने के लिए वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है इस वीडियो के एंड में क्योंकि ब्रांड ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे तो हमने उनके क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए अलग तरीके से इस टीवी की टेस्टिंग भी करी लेकिन वो सब बाद में पहले आपको इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूँ ये टीवी बहुत शानदार बेजललेस डिजाइन के साथ आता है एन आई मस्ट से एक ही इंप्रेशन के अंदर आपको यह टीवी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखेगा क्योंकि ना सिर्फ तीन तरफ से इसकी बेजल्स बिल्कुल भी नहीं है फोर्थ साइड पे भी आपको बहुत ही स्लिम बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा और ब्रांडिंग के जस्ट नीचे आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स और उसका कंट्रोल भी देखने को मिलेगा लगभग सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको टीवी के पीछे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको तीन एच पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें एक 2.1 पॉइंट पोर्ट है जो कि ऑटो लो लेटेंसी मोड को भी सपोर्ट करता है और वी को भी सपोर्ट करता है फ्रॉम 48 टू तो और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा बाकी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आपको ब्लूटूथ 5.1 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट देखने को मिलेगी विच इज वेरी गुड आपको टीवी के साथ एक स्मार्ट ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन वाला रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको नेटफ्लिक्स यूट्यूब प्राइम वीडियो और डिजनी हॉटस्टार की हॉट कीज भी देखने को मिलेंगी और सारी इधर उधर की बातें अब खतम. अब खत्म सीधा बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे पे यानी पैनल पे. इस टीवी के अंदर यानी व्यू ग्लोलेट टीवी के अंदर आपको एटबिट एफ आर सी वी ए डी लेट पैनल देखने को मिलता है जिसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस को हमने जब टेस्ट किया तो वो आई अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड निट्स के आसपास ये पीक एच डी आर ब्राइटनेस है जो कि व्यू के क्लेम 400 नीट्स की पीक 10, 10+, गुड थिंग रूम में लाइटिंग थोड़ी कम है तो डॉल्बी विजन कॉन्टेंट कम लाइटिंग के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी को एडजस्ट करेगा ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करेगा अपने आप और अगर ब्राइटनेस ज्यादा है से आपके रूम में लाइट्स ज्यादा जली है उसके हिसाब से पैनल की ब्राइटनेस ऊपर नीचे डॉल कंटेंट में अपने आप होगी एंड गुड फीचर और वो आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि ये एक VA पैनल है हम करेंगे कि इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लैक्स देखने को मिले और क्योंकि ब्रांड भी यही क्लेम करता है ऑफ रेशन लैक टू वन देन लेट्स चेक द ब्लैक्स ऑफ दिस बहुत जबरदस्त ब्लैक्स आपको देख रहे हैं इस समय एंड दिस इज ब्यूटिफुल मुझे इस टीवी के अंदर बिल्कुल डीपेस्ट ब्लैक्स देखने को मिले एंड आई टीवी होती है प्रोवाइडेड द कलर ऑप्टिमाइजेशन इज गुड और इस पैनल के अंदर कलर ऑप्टिमाइजेशन ठीक करी गई है जिसकी वजह से आपको ब्लैक्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं बट क्या ये ओलेड जैसे ब्लैक्स हैं बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल VA पैनल जैसे ब्लैक्स हैं और इसमें बहुत अच्छी बात है ये कि आपको VA पैनल जैसे डीप ब्लैक्स देखने को मिल रहे हैं व्यू ने इसमें एआई पिक्चर क्वालिटी इंजन का यूज करा है और उनके क्लेम के हिसाब से ये 94% एनटीएससी कलर गैमेट तक जा सकता है ये बहुत अच्छा कलर गैमेट होता है और इसका मतलब कि इस टीवी की कलर्स की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होने वाली है लेट्स चेक इट आउट मुझे इस टीवी दोस्तों आपको एनटीएससी की के बारे में थोड़ा समझाता हूं अगर 94% कोई ब्रांड क्लेम करता है या कोई ब्रांड 100% परसेंट क्लेम करता है दैट डज नॉट मीन की आपको 100% परसेंट नेचुरल कलर्स मिले वो कलर प्रोफाइल 94 परसेंट एन तक पहुंची इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कलर्स बहुत अच्छे से नेचुरली आपको यह पैनल दिखा रहा है मेरे हिसाब से तीनों मेजर कलर्स यानी रेड ग्रीन और ब्लू थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड है पर्टिकुलरली ग्रीन एंड रेड विच इज न बैड थिंग एट ऑल क्योंकि हम सभी को वैसे ही कलर्स पसंद है एंड पर्टिकुलरली इस रेंज में क्योंकि ये बजट टीवी है हमें बजट रेंज के टीवी के अंदर कुछ ऐसे ही कलर्स की एक्सपेक्टेशन होती है एंड मेरे हिसाब से दिस टीवी इज गिविंग अंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कलर्स ऑल्सो अब ये सारी कलर्स और ब्लैक्स की परफॉर्मेंस एच डी आर कॉन्टेंट में कैसे ट्रांसलेट होती है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्योंकि ये पैनल एच डी आर टेन प्लस और डॉल्बी विजन आई क्यू की सपोर्ट से आता है लेट इज चेक इट आउट एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट को जब हमने इस टीवी पे चला के देखा ऑन एमेजॉन प्राइम हमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया इसका कारण ये दिखती हुई बैंडिंग आपने जो भी वीडियो देखा उसमें आसमान में बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म कलर्स आपको देखने को नहीं मिले और वहां एक तरह की पैचेस बनने लग गए इसे कहा जाता है बैंडिंग और ये इस पैनल से आपको देखने को मिलेगी इन एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट और ये सरप्राइजिंग बात है क्योंकि एच डी आर टेन प्लस फॉर्मेट को यह टीवी सपोर्ट करता है और उसमें ही अगर हमें बैंडिंग देखने को मिलेगी नहीं दिखी, जितनी हम कर रहे थे. और ऐसा नहीं है कि एमेजोन प्राइम के कॉन्टेंट में या उसकी एप में कोई प्रॉब्लम हो अगर एप खुल रही है और उसमें कॉन्टेंट प्ले हो रहा है तो वो प्रॉपरली ही प्ले होगा आपके किसी भी टीवी के अंदर और इस टीवी के अंदर बहुत अच्छे से यानी बहुत शानदार तरीके से बहुत ज़्यादा शार्पनेस के साथ हमें कंटेंट देखने को नहीं मिला पर्टिकुलरली एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट लेकिन एच डी आर टेन कॉन्टेंट में हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई एंड इट वॉज लुकिंग वेरी गुड

तो आपको उसका पता भी नहीं चलेगा लेकिन पिक्चर क्वालिटी में आपको बेहतरीन मजा आएगा इस टीवी से बिकॉज दिस टीवी डज वेरी 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 ब्रिलियंट जॉब इन शोइंग डालवी विजन कॉन्टेंट आप जब इस टीवी को ऑन करेंगे तो आपको सारे डिफॉल्ट वही एंड्रॉइड की एप देखने को मिलेंगी जो आपको किसी भी और अच्छे एंड्रॉय टीवी के अंदर देखने को मिलती है प्री डाउनलोडेड और जो ऐप्स नहीं है उसे आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकती हैं विदाउट एनी इशूज और प्रॉब्लम जीबी की जो ग्रॉस स्टोरेज है वो तो आपको मिलती ही है लेकिन आपको नेट यूजेबल फ्री स्टोरेज मिलेगी सेवन पॉइंट थ्री जीबी इस बात का भी आपको ध्यान रखना है एंड्रॉयड तो ठीक है लेकिन सेट टॉप बॉक्स का जब आप कॉन्टेंट देखेंगे तो क्या वो भी हमने टेस्ट किया अब एस डी चैनल की अपस्केलिंग जब इस टीवी पे चेक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे मैं ये कह सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि 55 इंच का टीवी जब इतनी बड़ी स्क्रीन पे एस टी को आप करके दिखाएगा तो वो इतने ज़्यादा शानदार दिखेंगे मैं इस रेंज के टीवी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता बट एच डी चैनल्स जब आप इस टीवी से चलाएंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी क्योंकि वो अब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मुझे पता है आप सरप्राइज की वेट कर रहे हैं जल्दी से आपको इसकी यूएसबी की अपस्केलिंग भी दिखाता हूं अगर आप 720p के कंटेंट को यूएसबी से इस टीवी में चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी दिखेगी ये बुरी बात नहीं है 1080p के कंटेंट के अंदर आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी लेकिन फोर के के अंदर आपको मजा आ जाएगा मेरी गारंटी है आपको फोर के के अंदर आपको बता दो कि अब नहीं होती वो सिर्फ प्ले होता है यूएसबी से एंड आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो अब आप सरप्राइज़ की वेट कर रहे हैं या नहीं लेकिन पहले आपको जरा मैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में बता भी दूँ और सुना भी दूँ पहले सुनिए बात सॉफ्टवेयर है अनफॉर्चुनेटली ये क्लिप आपको बहुत ज्यादा देर तक दिखा नहीं सकता कॉपी राइट की वजह से लेकिन आपको अपने वर्ड में समझा सकता हूँ कि दिस टीवी साउंड अमेजिंग ये बहुत शानदार टीवी है मैंने इससे पहले हाईसेंस टोर्नाडो 2 की अनबॉक्सिंग और ट्रू किया था और मैंने उस रिव्यू के अंदर क्लियरली बोला था कि ये मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट साउंडिंग टीवी है और उस टीवी के साथ आपको साउंड बार लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मैं इस टीवी के साथ भी यही कह सकता हूं, लेकिन देर इज अग डिफरेंस इस टीवी के अंदर यानी इस टीवी के पीछे एक सबवूफर लगाया गया है जिसकी वजह से आपको बेस थोड़ी सी ज्यादा मिलती है थोड़ी सी ज्यादा हर चीज उसी प्रोपोर्शन में अच्छी लगती है जिस प्रोपोर्शन में वो होनी चाहिए यहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा बेस मिलेगी अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है देन इट इज़ अ फैंटेस्टिक टी वी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी लेकिन आपको थोड़ी सी बैलेंस्ड ऑडियो पसंद है तो आपको इस टी वी की ऑडियो में थोड़ी बेस ज़्यादा लगने वाली है अनफॉर्चुनेटली जिस रेंज में ये टी वी आता है उस रेंज की टीवीज की मैं बहुत ज्यादा हार्ड या फिर बहुत ज्यादा लंबी टेस्टिंग नहीं करता बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वीव ग्लोलेट टी वी की ऐसी टेस्टिंग करनी पड़ी कारण वी ब्रांड ने इस टी वी को कंपेयर किया एक बहुत बड़े टी वी के साथ और उनका दावा यह था कि उसकी पिक्चर क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी और आप सभी के सवाल इतने ज्यादा थे कि मुझे इस टीवी को सोनी एक्स सेवेंटी फोर के के साथ कंपेयर करना ही पड़ा मैं आपको इस कंपैरिज़न को पूरी तरह दिखाने और समझाने से पहले ही बता दूँ कि ये बहुत अनफेयर कंपैरिजन है इसमें व्यू बहुत बुरी तरह हारेगा लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस बजट के टीवी को आपको सोनी X74K के, के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके तसल्ली के लिए मैं आपको दोनों ही टीवी के अंदर सेम कंटेंट चला के दिखाता हूँ अब आप कलर्स की परफॉर्मेंस को देखें फर्क नहीं पता चला तो ये कॉन्टेंट को मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ अब कलर्स का डिफरेंस देखिए ये कलर्स का डिफरेंस कैसे आया सोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो महीनों नहीं सालों रिसर्च करते हैं एन के अंदर एक एक कलर के ऊपर रिसर्च करने में वो बहुत पैसा भी खर्च करते हैं उनकी कलर कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आई डोंट थिंक सो वी यू इज़ इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन द कैलेबरेशन एंड ऑप्टेमाइजेशन ऑफ देयर कलर इन देयर टी अब आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि ये दोनों टीवी ब्लैक्स में कैसा परफॉर्म करते हैं याद रखिएगा कि व्यू एक वी पैनल का टीवी है और सोनी एक्स के एक आई पैनल का टीवी और आपने देखा डिफरेंस ब्लैक्स का कैमरा भी आपको ये लगा होगा कि सोनी के ब्लैक्स ज्यादा बेटर हैं, लेकिन इन रियलिटी लेट मी टेल यू VU के ब्लैक्स ज़्यादा बेटर हैं उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है। इट पैनल टीवी। आप तो मतलब आपको ओलेड जैसे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे कभी भी नहीं आपको ओलेड में जो ब्लैक्स मिलते हैं उसका कंपैरिजन कोई भी आईपीएस या फिर क्यूलेड पैनल नहीं कर सकता

और आपको ऑलमोस्ट 30 परसेंट का कलर और ब्राइटनेस का लॉस इस टीवी से एक्सट्रीम साइड पे जाके देखने को मिलेगा विच इज अकॉर्डिंग टू बी स्लाइटली अनएक्सेप्टेबल क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप वी ए पैनल के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन परसेंट का कलर और ब्राइटनेस लॉस एक्सपेक्ट करते हैं एक्सट्रीम साइड्स में बट दिस पैनल इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड इन दैट डिपार्टमेंट तो अगर आपको साइड्स में बैठ के टीवी देखना है दिस इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू और आप इस टीवी को स्किप कर सकते हैं इसकी जगह आप कोई भी आईपीएस पैनल का टीवी ले सकते हैं आप सोनी एक्स सेवन फोर ले सकते हैं जिसका इस टीवी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं आप एल जी का यू क्यू सेवन फाइव डबल जीरो ले सकते हैं जो इससे बेटर टीवी है इन माई ओपिनियन आप हाइसेंस का टोर्नाडो टू ले सकते हैं जो कि अगेन इससे बेटर टीवी है इन माई ओपिनियन एंड आप हाईसेंस का A6H ले सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम टीवी है इन माय ओपिनियन विद अ स्लाइटली बेटर पैनल बट एन इनफीरियर ऑडियो क्वालिटी इन माय ओपिनियन अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे और हमेशा की तरह कॉन्स सबसे पहले इस टीवी के अंदर आपको सबसे ज्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स नहीं देखने को मिल सकते जो मैंने आपको अभी-अभी बताया इस टीवी के अंदर HDR परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन बेस्ट नहीं है पर्टिकुलरली एच डी आर टेन प्लस की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा शानदार नहीं मिलेगी उसमें आपको बैंडिंग और पैचिंग देखने को मिलेगी विच इज आई डोंट नो वाई बट नॉट वेरी गुड कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं ये कौन है भी लेकिन मैं आपको ये पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि इसे आप कौन बिल्कुल भी ना समझें दिस इज कम्प्लीटली ओके आपको इस रेंज के टीवी के अंदर पर्टिकुलरली वी ए पैनल के टीवी में ऐसे कलर्स चाहिए वरना आपको फीकी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी समथिंग लाइक अ वन प्लस टीवी जहां आपको थोड़ी फीके कलर्स देखने को मिलते हैं और वो अच्छे नहीं लगते आपको उसे मैनुअली कैलेबरेट करना पड़ेगा बार बार मे बी यू नो इन अ मूवी आपको अलग से कैलेबरेट करना पड़ेगा इन स्पोर्ट्स आपको अलग तरीके से कैलेबरेट करना पड़ेगा दो चीजें और हैं जिसमें से एक चीज हो सकता है मेरे टीवी यूनिट के साथ हो बाकी सबके साथ नहीं जो है बैकलाइट ग्लो इसे मैं बहुत बड़ा इशू नहीं मानता और आप सबको भी यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके टीवी में बैकलाइट ग्लो है Then it is okay. आपको किसी भी नॉर्मल पर्टिकुलरली वी ए पैनल के टीवी के अंदर backlight glow देखने को मिलेगा। और यह होता है लेकिन दूसरा बग वो एक प्रॉब्लम बग है आप जब यूट्यूब की एप पे कोई भी वीडियो फोर के में चलाते हैं जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कलर बहुत ज्यादा अलग देखने को मिलेंगे लेकिन इसी वीडियो को जब आप 1080p फॉर्मेट पे चलाएंगे तो आपको कलर्स बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे ये YouTube की ऐप का बग है जो मेरे हिसाब से व्यू को जल्दी ही सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर देना चाहिए वो कब करेंगे दर आई के नॉट से बट इससे इस टीवी की और किसी ऐप की पिक्चर क्वालिटी में कोई असर हो रहा हो बिल्कुल भी नहीं अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज के बारे में और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको ये टीवी खरीदना चाहिए या नहीं इस टीवी के अंदर आपको बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है अगेन आई एम टेलिंग यू इस बजट के टीवी के अंदर दिस इज ब्रिलियंट टीवी ये बहुत शानदार टीवी है आपको बहुत ज्यादा अच्छे ब्लैक्स मिलेंगे बहुत अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे थोड़े ओवर सैचुरेटेड ही सही लेकिन मैं इन्हें फिर भी अच्छा कहूंगा और आपको इसमें एच परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी

आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी ये टीवी है एंजॉय द पिक्चर क्वालिटी आपको इस रिव्यू के नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ के नहीं रहना है आपको अपने टीवी की पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करना है प्लीज डोंट टेक इट ऑन योर हेड मैंने इतनी हार्श टेस्टिंग इसके साथ करी ही इसलिए है क्योंकि इतने बड़े दावे करे गए थे इस टीवी के साथ दैट आई हैड टू टेल यू द ट्रूथ अकॉर्डिंगली ये टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा है बट इसे आप सोनी एक्स सेवेंटी फोर के के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी ओलेट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा इस टीवी को आप कंपेयर करें तो इसी के लेवल के टी के साथ करें वहाँ पे ये अच्छा और बुरा दोनों तरीके से परफॉर्म करता है एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन ट के बहुत अच्छे प्रोज में एक दो चीजें और आती हैं और वो है ऑटो लो लेटेंसी मोड दिस इज अ वेरी गुड टीवी फॉर गेमर्स अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है और आपको बजट में एक अच्छा टीवी खरीदना है जिसमें आपको थोड़ा सा इनपुट लैग कम देखने को मिले ब्रांड क्लेम्स एट टू टेन मिली सेकेंड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आपको 48 एट हर्ट से लेके 60 हर्ट्स तक की वी भी देखने को इस टीवी के अंदर मिलेगी विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग देखिए ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज़ नहीं है दिस इज नॉट अन ट्वेंटी हर्ट पैनल बट सिक्सटी हर्ट्स के पैनल के अंदर आपको ऐसी चीज मिल रही है दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग आपको इसके अलावा इस टीवी के अंदर एम भी मिलती है

आपको एम ई करनी है में और आप 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 जब इस का को करेंगे तो हो जाएगी। उसे कर कर सकते सकते हैं हैं अपनी के हिसाब से कम या ज़्यादा और उसको करने के बाद आपको क्रिकेट की एक ही बॉल दिखेगी या फुटबॉल भी एक ही दिखेगी एंड ये बहुत अच्छी चीज है एंड दैट इज वाई इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन बजट वी टीवी। अगर आपने सामने से बैठ के टीवी देखना है गो फॉर इट इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लीज मेरे लिंक से लीजिएगा इस चैनल की बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है और हम ऐसे टीवी को टेस्टिंग करते हैं खरीदने के बाद और उसके बाद आपको एक ऐसा डिटेल्ड रिव्यू दिखाते हैं जिसके बाद आप खुद अपनी पसंद का एक अच्छा टीवी खरीदते हैं मैंने इस टीवी के और इस टीवी की अल्टरनेट ऑप्शंस जो आप कंसिडर कर सकते हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उन सभी टीवीज के मैं ऑलरेडी ट्रू व्यूज कर चुका हूँ आप उन्हें देख सकते हैं या फिर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आप उसे दोबारा ध्यान से सुन सकते हैं बिना वीडियो को स्किप करें और आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है लेकिन आपको जाते जाते एक छोटी सी बात और बता के जाता हूँ आप बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स में मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस ब्रांड की सर्विस का क्या और उस ब्रांड की सर्विस का क्या एंड लेट मी टेल यू आंसर यू वंस एंड फॉर ऑल किसी भी बजट ब्रांड के टीवी की सर्विस अच्छी नहीं होती आपको बेस्ट सर्विस किसी भी ब्रांड से नहीं मिलेगी चाहे वो व्यू हो चाहे वो हाइसेंस हो नोकिया हो मोटरवाला हो कोई भी टीवी हो आपको किसी भी ब्रांड से बेस्ट सर्विस कभी भी नहीं मिलने वाली है और उसका कारण क्योंकि उनके सर्विस सेंटर्स नहीं होते हैं टीवीज़ के लिए आपको जो भी सर्विस मिलेगी वो डोर स्टेप मिलेगी उन सर्विस के पार्टनर्स होते हैं यानी हर ब्रांड का एक टाइप होता है हर पिन कोड के लिए अलग या फिर बहुत सारे पिन कोड के लिए एक आपको क्या करना है टीवी खरीदने से पहले ये देखना है कि किस ब्रांड के कितने ज़्यादा सर्विस टाइप्स हैं और अगर वो अच्छे टाइप्स हैं आपके पिन कोड पे सर्विसेबल है तो आप उस टीवी को ले सकते हैं और दूसरी चीज आपको यह करनी है कि आपको एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है क्योंकि अगर ब्रांड आपका सर्विस में साथ छोड़ देगा तो कम से कम अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं छोड़ेगी एंड दैट इज व्हाई आई रेकमेंड कि आप गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लीजिए मैं आपको अपना अफिलियट लिंक इसीलिए नहीं देता कि आप उन्हें कॉल करें और उनसे नेगोशिएट करके कम से कम प्राइस में लें और अपना फायदा कराएं मैं आपको अपना अफिलियट लिंक टीवीज का देता हूँ आप उसे यूज करके परचेज पूरी करिए उससे मेरा फायदा होगा और आपका नुकसान नहीं होगा एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज डू दिस आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में जो लाइक बटन के जस्ट नीचे है और आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या कहा था मैंने कहा था कि एक जबरदस्त कंपैरिजन वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं वेट करिएगा उसकी बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है उसमें बहुत टाइम लग रहा है बनाने के लिए एन आएगा ज़रूर मैं आपको अपने अगले ट्रूव्यू में बहुत जल्दी मिलता हूँ थैंक यू सो मच